हेलो दोस्तों, सिविल वॉर शर्मा आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोकैड फाइल के बारे में। ऑटोकैड में आपको मैं बेसिक बताने वाला हूँ कि ऑटोकैड में क्या क्या होता है। ऑटोकैड में हमारा क्या है, ये हमारा ऑटोकैड ओपन हो रहा है। इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट पहली बात तो हमारी जो हम इसको प्लान करते हैं ऑटोकैड में, इसको किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये एक वास्तुशास्त्र की के तरीके से किया जाता है। और इसको बहुत अच्छे से समझ के करके इसको हम क्लाइंट को दिखाते हैं। क्लाइंट इनका देखकर इसको थोड़ा जो भी कमी होती है वो थोड़ा बताएंगे, हमें रूम इतने साइज के चाहिए, क्या चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से किया जाता है। और ये हमारी विंडो इसमें 7 है और इसमें हम दिखाते हैं आपको प्लान कैसे क्या है। तो आज मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारी एक डिज़ाइन है घर का, ये प्लान किया गया है। अब इसमें क्या है, हमारा ये प्लॉट का साइज है हमारा 35x74 फिट, और इसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात कहूँ तो ये हमारा एंट्रेंस हो गया, यहाँ से हमारा एंट्रेंस हो गया, और यहाँ से एंट्रेंस से हम सीधे अंदर जाएंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम आता है। ड्राइंग रूम के बाद हम सीधे यहाँ से लॉबी रूम में पहुँचते हैं, डाइनिंग रूम। वहाँ से हम सीधे आगे हमारा किचन है। अब लॉबी रूम से हमारा एक बेडरूम ये सेपरेट है, इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच है, और एंट्रेंस से ही एक गेट बेडरूम के लिए बनाया गया है ये वाला। और लिविंग ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम हमारा जो है, डाइनिंग रूम से हमारी ये स्टेयर बनी है, और स्टेयर के आगे हमारा एक बेडरूम है जो ये अटैच है। किचन भी इसके जस्ट बगल में है। और बात करें, ये हमारा वॉश मतलब कि आप यहाँ पे अपना बर्तन वर्तन भी धो सकते हैं। वैसे वॉश वॉशिंग लगे रहता है यहाँ पे, बर्तन धोने का किचन का हमारा ये पोर्शन में लगेगा। वॉशिंग मतलब हम हाथ पांव धोते हैं, जो भी है अपना वॉशिंग करने के लिए वॉशिंग रूम हो गया है। ठीक है, ये हमारा बेडरूम हो गया। ये ड्रेसर, मतलब ड्रेसर का मतलब होता है कि हम जैसे कहीं हमें ऑफिस जाना है या कहीं शादी पार्टी में जाना है, तो एक ड्रेसर हमारा एक रूम होता है जहाँ पे हम तैयार होते हैं। इसी से अटैच हम टॉयलेट बाथरूम भी कर लेते हैं, जैसे हाथ मुंह धोना है या कुछ भी करना है तो वो हम ड्रेसर रूम में भी कर सकते हैं। यहाँ भी हम एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं, लेकिन ये ड्रेसर रूम ओनली ड्रेस चेंज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है सर, ये हमारा अब अगला प्लान है कि हम ये फर्स्ट फ्लोर में आए हैं। फर्स्ट फ्लोर में हम ये आए हैं, आपका स्टेयर से होते हुए हम पहुँचते हैं लॉबी में। लॉबी के बाद हमारा लेफ्ट हैंड में ये बेडरूम आ गया है। इसमें हमारा एक तो यहाँ बेडरूम से टॉयलेट अटैच है, और लॉबी में जो लोग होंगे जैसे उनको भी वॉशरूम लग रही है, तो वो यहाँ से टॉयलेट में यहाँ भी जा सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे कोई लॉबी में बैठा है और बेडरूम में बैठा है, तो जैसे एक ही टाइम पे अगर दोनों जाना चाह रहे तो वो कैसे जाएंगे, उनको बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर ये लॉबी वाला व्यक्ति अगर टॉयलेट जाता है तो क्या पता बेडरूम का कोई व्यक्ति वहाँ जाए, तो ये दोनों डोर यहाँ पे मेरे ख्याल से तो गलत लगे हैं। अगर बेडरूम का स्टॉप करके लॉबी रूम से लग जाए तो ये ठीक है, टॉयलेट वैसे जगह अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन लॉबी वाली में एक ही डोर होना चाहिए। लॉबी से एक बेडरूम और है हमारा, इसमें हमारा टॉयलेट बाथरूम है और एक ड्रेसर रूम हो गया। सामने आएंगे तो ये पेंट्री हो गया, ये भी आप बोले तो शायद किचन भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। पेंट्री का मतलब तो ज़्यादा वो नहीं है, पेंट्री किचन नहीं हुआ है, आप नॉर्मली इसको मतलब कुछ भी मतलब एक वैसा बोल सकते हैं। बाकी उसके आगे हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम की बात करें, स्टोर रूम हमारा 10x11, 10x9 इंच, 11 फिट 4 इंच का है। और बेडरूम से बाहर ये हमारी बालकनी है जो कि 4.5 फिट 7.5 इंच की एक चौड़ाई है इसकी, और लेंथ इसकी 21 फिट 9 इंच है।
तो ऐसे ही हमारे इसमें अलग अलग प्लान है, और आगे ही मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें हमारे चैनल में। अगर जो व्यक्ति नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें हम अगले पार्ट में बताएंगे कि ये प्लान कैसे किया जाता है वास्तु शास्त्र के, उससे नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके हम आपको सब बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। और इसमें हमारा अगला पार्ट रहेगा प्लिंथ बीम कैसे बनाई जाती है, कॉलम की सेंटरिंग कैसे करी जाती है, और रही इसकी बात हम इसमें क्या करेंगे सेंटरिंग के बाद प्लिंथ, और उसके बाद हमारी फुटिंग रहेगी। ऐसी ही अन्य जानकारी हम आपको देते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ। इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल पोर्शन भी दिखाएंगे आपको, इलेक्ट्रिकल पंखा कहाँ लगना है, लाइटें कहाँ लगनी है, फैंसी लाइटें कहाँ लगनी है, और इसमें आपको वाटर सप्लाई भी दिखाएंगे कि वाटर कहाँ से कहाँ तक, पानी फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, ऊपर ट्रेस में जाएगा, वहाँ से फिर फर्स्ट फ्लोर में आएगा, फिर ग्राउंड फ्लोर में आएगा, ऐसे करके हम आपको जानकारी देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे ही ऐसी जानकारी आपको और दी जाएगी। धन्यवाद।